क्वेश्चन सेम टू सेम वही है, यहाँ थोड़ा सा चेंज किया गया है। पहले इसके रेंज निकाल लेते हैं, रेंज हो जाएगी साइन 4 साइन एक्स की, रेंज हो जाएगी माइनस 4 से 4। ग्राफ की हम बात करते हैं, ग्राफ की हम बात करते हैं तो वही ग्राफ जी, ये हमारा है माइनस का पाई बाई टू, ये आपका है पाई बाई टू, ये आपका है 3π/2, ये आपका है माइनस का 3π/2। ये बात करते हैं तो ये है 1.57 और ये है 4.5, ये माइनस का 1.57 और ये आपका माइनस का 4.5। बात करते हैं माइनस फोर से फोर के बीच की, बात करते हैं माइनस फोर से फोर के बीच की, यहाँ 4.5 है तो यहाँ कहीं 4 होगा, यहाँ कहीं 4 होगा और यहाँ कहीं माइनस 4 होगा। यहाँ कहीं माइनस 4 होगा, ध्यान से देखिएगा काम आने वाला ग्राफ कितना है हमारे। अब आप तो इसके रेंज की बात कर लो, काम में इतना ग्राफ आएगा। गलती आप यही करोगे जहां मैं अब आपसे पूछने वाला हूं, मुझे इसकी रेंज बताइएगा, मुझे इसकी रेंज बताइएगा। मैं रेंज की बात करता हूं तो वो मुझे बताइएगा। मैं इसके, अच्छा आपको पता है कि इसकी बॉटम टॉप वैल्यू क्या है, 1 है हाँ। और ये आपको पता है ये हो गया है कोस 4 माइनस का 4 जो कोस 4 ही है, और ये हो गया आपका कोस 4। बॉटम वैल्यू की बात करते हैं तो आपने टॉप बता दिया कि सर 1 है और बॉटम आप बता दोगे कि सर कोस 4 है, यही बोलने वाले हो ना, जबकि कोस 4 इसकी बॉटम वैल्यू नहीं है। आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो इसकी बॉटम वैल्यू ये है, ये नीचे से नीचे यहाँ गया है, बस ये गया है नीचे से नीचे, और ये कोस की बॉटम वैल्यू क्या होती है, माइनस 1। ये मुझे पता है ये गलती आप करने वाले थे। हाँ ये नहीं है इसका, ये नहीं है इसकी, ये नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ cos 4.1 ये नहीं है, क्योंकि बॉटम वैल्यू का मतलब हुआ नीचे से नीचे, यहाँ नीचे गया है इसके बाद तो कितना ही ऊपर जाए, लेकिन नीचे तो नीचे यहाँ है, नीचे तो नीचे ये वाला है और ये वाला 1 है माइनस का।